हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फॉल गाइस वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं फॉल गाइस में स्टंबल गाइस का बहुत ही पुराना मैप पिविट पुश। तो पिविट पुश दिखता कैसे, पहले इसकी हम लोग शक्ल देख लेते हैं। तो ये तो आप लोगों ने बहुत बार खेला होगा, लेकिन ये मैप काफी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है गाइस। इसमें देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल चाहिए। पंखे तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन जो साइड के ऑब्स्टिकल चाहिए वॉल्स, ये पता नहीं मिलेगी कि नहीं। ये डब्बे के ऊपर इन लोगों ने अलग वॉल लगा के रखी है। उसके बाद ये मूविंग स्लाइडर जो है, ये तो कद्दू का नहीं मिलने वाला गाइस, कोई चांस ही नहीं है इसका। नेक्स्ट इसके आगे एक और स्लाइडर है, मैं ट्राई करूंगा ऐसे स्लाइडर मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैंने कुछ देखा था फॉल गाइस में कभी। ठीक है, फिर यहाँ पे अपर स्लोप है, और उसके बाद यहाँ पे 3 फीट से ऊपर नीचे होने वाले ऑब्स्टिकल्स जो कि मुश्किल है। फिर यहाँ पे पीछे आने वाले एरो, ऊपर चढ़ने वाले एरो, ये 3 हैमर तो मिल जाएंगे, लेकिन साइड का काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला है, आप देख सकते हो। और ये 3 में से 2 सर्कल वाले हैं, 1 हैमर है। ठीक है, फिर ये तो मिल जाएंगे मुझे 2, लेकिन ये जो एरो है ये काम नहीं करता। ठीक है, ये नोटिस किया जाए कि ये एरो से बना है, ये आगे नहीं भेजता हमें। ये ट्रैम्पोलिन तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन ये ज़मीन के अंदर कैसे लगेगी ये पता नहीं। और बस फिर ऊपर आके हमें एक और मूविंग स्लाइडर चाहिए, और फिर फिनिश लाइन हमारी लग जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फ्लोरिंग के साथ। तो हमें पहले चाहिए पिंक कलर की फ्लोर, और पिंक कलर से सबसे क्लोजेस्ट कलर तो मुझे ये रेड वाला ही लग रहा है। पर्पल और इस रेडिश पिंक में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा ठीक रहेगा। अब इसे लगाना है हमें ऐसे कि ये छोटा होते जाएगा। आपने देखा ये पिविट पुश की जो स्टार्टिंग है वो छोटी होती जाती है, तो एक के बाद एक हमें ऐसे फ्लोर लगाने जो कि हर फ्लोर के साथ छोटे होते जाए, और एक एक साइज ठीक रहेगा। फिर मुझे उस पंखे का साइज देखना पड़ेगा लास्ट में, और उसके बराबर मैं लास्ट वाला फ्लोर रख दूंगा। तो अब हम लोग उस पंखे का साइज देख लेते हैं, और ये कौन सा पंखा है। अच्छा, वो दिखता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं रहता, पंखा भी नहीं रहता, ये रहता है, इसको क्या बोलते हैं, टर्न स्टाइल। ओके, टर्न स्टाइल का साइज इतना है, और साइड में हमें 2 डब्बे लगाने, तो थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा फ्लोर। तो ये जो हमारा टर्न स्टाइल है गाइस, ये बीचों बीच बैठ चुका है। अब जो भी आएगा उसको इसके साइड से निकलना पड़ेगा, लेकिन साइड में अब हमें वो 2 बड़े वॉल लगाने गाइस, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस गेम में हमें मिलेंगे, लेकिन पहले हम लोग साइड की वॉल लगा देते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है गाइस, एक तो ये है, लेकिन इसके ऊपर देखो वॉल्स नहीं लग सकती। ठीक है, जैसे उसके ऊपर लगी है, और वैसे शायद इसके ऊपर भी वॉल्स नहीं लग सकती। हाँ गाइस, इसके ऊपर भी वॉल्स नहीं लग सकती, लेकिन इसको हम लोग टेढ़ा तो कर सकते हैं, वो एक ही शेप में रहेगा, और उसके 2 कलर रहेंगे। और हमें अगर कलर के हिसाब से देखना है तो मुझे लगता है हमें 2nd ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। ये तो आप देख लो, ये वैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही अलग चीज़ हो जाएगी। तो ऐसे 2 ब्लॉक हम लोग लगा देते हैं, और ऐसे ही हमें आगे भी लगाने पड़ेंगे। वैसे आगे शायद एक ही चाहिए, और इसके बीच में इतनी ही जगह रहनी चाहिए कि हमें पंखे को, मतलब ये टर्न स्टाइल को धक्का मार के आगे जाना पड़े। अब इसके पीछे वाला जो डब्बा रहता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये टेढ़ा रखा रहता है गाइस। तो अगर मैं टेढ़ा रखूँ तो साइड की जगह भी हमारी बचनी चाहिए गाइस 2 टर्न स्टाइल की, क्योंकि 2 टर्न स्टाइल भी लगने हैं अभी, और साइड में फ्लोर की जगह भी नहीं है। एक तो पता है दिक्कत क्या है, मैं बताता हूँ। जो फॉल गाइस के ऑब्स्टिकल्स है उनका साइज अलग है, स्टम्बल गाइस के ऑब्स्टिकल का साइज अलग है, तो हम लोग डिट्टो सेम नहीं रख सकते हर चीज़, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा अगर बैठाना है तो। अब ये लग तो गए हैं, अब हमें चेक करना है लेकिन कि क्या ये सही है कि नहीं। देखो, पहला जो पंखा है इससे निकल सकते हैं, दूसरा जो पंखा है इससे भी निकल सकते हैं, लेकिन यार मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्पेस है बीच में, है ना, साइड से जाएगा तो ही फंसेगा बंदा। और साइड में यार वॉल भी तो लगानी है यार, ये तो मैं भूल ही गया, ये देखो ये वॉल शायद नहीं लगेगी इधर। तो वॉल के लिए मैंने फ्लोर तो बड़ा कर दिया गाइस, लेकिन इससे क्या हुआ कि स्पेस बढ़ गई बीच की। अब जो पंखे हैं इनके आसपास बहुत ज़्यादा स्पेस है, डब्बे को मैं दूर करूँगा तो बीच वाले की स्पेस बढ़ जाएगी। तो यही दिक्कत है जो मैंने बताई ना, साइज़ के डिफरेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है दोनों गेम में। तो मूविंग स्लाइडर तो मुझे मिल नहीं रहा गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ ये डोर्स लगा दूँ ताकि ये मूविंग स्लाइडर जैसा ही काम कर लें, क्योंकि एक साइड से ही निकलते हैं ना उसमें, तो इसमें भी एक साइड से निकलने जैसा कुछ हो जाएगा। अब इधर हमें 2 पंखे लगाने हैं 3 वॉल्स के साथ, आपने देखा है ना, एक साइड में नहीं, 2 साइड में, एक बीच में। ठीक है, तो वॉल तो हमारी लग जाएगी विथ ऊपर की येल्लो वाली वॉल, लेकिन 2 पंखों का साइज हमें देखना है क्योंकि उनके बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए। तो स्पेस ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने जो फ्लोर है वो छोटा कर दिया गाइस। अब जो पंखे के बीच की जगह है वो कम हो चुकी है, और हमारे 3 वॉल भी आ जाएंगे अब।
अब इसके बाद गाइस स्लोप रहता है जो कि नीचे की तरफ जाता है, आपने देखा होगा, और थोड़ा शायद बड़ा भी होते जाता है वो। तो अब वो बनाना हमें, अब स्लोप तो देखो इसमें एक कांस्टेंट साइज है तो वही लगा सकते हैं हम लोग। अब हमें गाइस तीन पंखे इतने परफेक्ट लगाने हैं कि तीनों के बीच में जगह ही नहीं होनी चाहिए, और साइड में भी, और साइड में वॉल भी लगनी चाहिए यार। अब वॉल कैसे लगेगी यार, तीनों पंखे घेर लेंगे जगह तो। अब इधर गाइस मैंने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट किया है क्योंकि यार इधर बहुत ज़्यादा ही जगह बच रही थी। तो पहले मैंने दो ब्लू वाली वॉल्स लगाई, उसके बाद साइड में येलो वाली भी लगा दी ताकि पीछे से कोई नहीं जा पाए, क्योंकि पीछे जगह बच रही थी तो लोग तो शाणे हैं, वो लोग साइड से निकल जाएंगे, इसलिए मैंने ये भी लगा दिया। और मूविंग स्लाइडर के लिए मैंने डोर लगा दी है, उसके बाद स्लोप लगा दिया और सामने की फाइनल प्लेटफॉर्म भी बना दी। अब हमें वाले ऑब्स्टिकल चाहिए जो ऊपर नीचे होते हैं, जो कि हमारे पास नहीं है ऑब्वियसली फॉल गाइस में। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे आगे की तरफ उचकाने वाले ट्रैम्पोलिन रख दिए जिसका नाम है स्लिंगस फ्लिंगस, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारे लगा दिए ताकि जो भी जहाँ से आए यहाँ से कूद के भाई आगे निकल जाए। तो इधर ऊपर लेवल का फ्लोर भी बना दिया हमने जो कि सही लग रहा है। अब देखते हैं कितनी आगे उचकाता है मेरा भाई, चल टाइम ले रहा है, ठीक है। ये तो यार बहुत बेकार था, आगे गए ही नहीं, ठीक है। थोड़ा नहीं, आगे से तो दीवार पे टकरा जाएगा, थोड़ा पीछे से देखते हैं, यहाँ से शायद बढ़िया जाए। ये तो यार बिल्कुल ही आगे हो गया, ये अलग दिक्कत है। अब आगे का पार्ट हमें कंप्लीट करना है गाइस, जिसमें कि तीन हैमर लगते हैं, आपको मालूम है साइड में एरो, भाई ये वाला काम सबसे मुश्किल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सर्कुलर हैमर के साथ। इसका साइज कैसा लग रहा है अब? वैसे मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर है ना। हाँ, इसके तो नीचे से निकल जाएंगे, इसको थोड़ा नीचे भी बिठाना पड़ेगा, हाइट में है बहुत। हैमर भी लग गया हमारा, और प्लेटफॉर्म भी पतला कर दिया मैंने ताकि बिल्कुल ही मुश्किल हो जाए, लेकिन प्लेटफॉर्म यार ज़्यादा ही छोटा लग रहा है, कोई निकल ही नहीं पाएगा। थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, नहीं इतना काफ़ी है। हाँ बस, अब देखते हैं। हाँ अब बढ़िया है, हैमर से कैसे निकलेंगे लेकिन। अरे अरे यार साइड में तो जगह है गाइस, और ये देखो यहाँ पे अगर पड़ेगी तो बंदा गिरेगा भी नहीं। एक पॉइंट और छोटा कर देते हैं। तीनों हैमर लग चुके हैं हमारे, अब हमें पीछे के एरो लगाने गाइस, जो पीछे आने हो, जो नीचे लगेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो अपने पास क्या ऑप्शन है। देखो ये रैम तो बढ़िया है, मुझे मालूम नहीं था ये भी है। ये रैम हम लोग लगा देंगे ऊपर आने के लिए, ठीक है, लेकिन इसके साइज़ का हमें नीचे भी लगाना पड़ेगा। और ये रैम्प लगेगा ऐसे घुमा के लग जाएगा, है ना, नहीं लार्ज मीडियम, अच्छा लार्ज में ये बड़ा हो जाएगा, मीडियम ठीक रहेगा, लेकिन यार बीच का नहीं है। अच्छा हाँ, साइड से ऐसे स्लोप भी आती है दीवार वाली, वो भी लगानी है अभी। तो नीचे का कन्वेयर बेल्ट हम लोग लगा देते हैं पहले, ठीक है ना गाइस, ये ठीक है। अब इसको बड़ा करते हैं। अच्छा ये बड़ा, नॉट इनफ बजट। अबे यार गाइस मेरा तो 1000 का बजट कंप्लीट हो गया भाई, अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं यार, 1000 का बजट, पहली बार मैं आउट ऑफ बजट हो चुका हूँ गाइस यहाँ पे। ऐसा क्या लगा दिया मैंने कि मैं आज आउट ऑफ बजट ही हो गया भाई। डोर डैश ये तो 50 का है, 50, 100 तो इसी के हो गए। अरे भाई ये टर्न स्टाइल भी 50 का है, अच्छा सबसे ज़्यादा महंगा तो यही है। तो मैंने डोर डैश हटा दिए गाइस, जो डोर लगे थे, ठीक है, और स्टिंगस फ्लिंगस को हटा के मैंने 10-10 के बूम ब्लास्टर रख दिए भाई। और ये तो हटा सकते नहीं थे हम लोग टर्न स्टाइल, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल है। तो अब हमें बहुत ही कम बजट में आगे का काम करना है। तो नीचे का एरो लगाते हैं हम लोग पहले, ठीक है, इसके बाद इसके सामने एक रैम्प लगाने की कोशिश करेंगे। ये वाला फ्लोर मैंने वाला चुना है जिसको हम रिसाइज कर सकते हैं, ताकि हम लोग इसको रैम्प के बराबर का रिसाइज कर सकें ऑलमोस्ट। अब रैम्प हल्का सा छोटा आ रहा है, हल्का सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस साइड से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते गाइस। लार्ज में तो ये फ्लोर से ही बड़ा हो जाएगा, मीडियम ही रखना पड़ेगा हमें। तो बहुत ज़्यादा ही एडजस्टमेंट्स के बाद मैंने गाइस ये बनाया है, और रैम्प बड़ा कर दिया है ऊपर वाला, ताकि साइड से भी कोई आ सके। अब पता दिक्कत क्या है कि ये जो स्लोप लगाना है हमें, ये परफेक्ट लगना चाहिए, ठीक है, कोई नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये परफेक्ट लगेगा भी नहीं, क्योंकि इसका साइज़ अलग रहेगा, सबका साइज़ अलग है। अब देखते हैं ये कैसे बैठता है हमारा, और इसके ऊपर भी कोई चढ़ नहीं पाए ये भी देखना है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल स्टीप में रखा है। अब देखते हैं कोई चढ़ तो नहीं जाएगा इसमें। तो गाइस फाइनल ये बना है, मैंने फिर से छोटा कर दिया रैम को, अब मुझे ना ठीक लग रहा है। साइड से क्या किया मैंने, स्लोप लगा दिया ताकि कोई वहाँ से नीचे नहीं गिर पाए, है ना, ये ठीक है गाइस, क्योंकि रैम के बगल में भी जगह थी नीचे गिरने की। अब उसके लिए मैंने स्लोप लगा दिया वहाँ पे ताकि कोई नीचे गिरे ही नहीं। अब सामने हम लोग एक वॉल भी लगा देते हैं, वैसे भी लगेगी शायद इधर, है ना, ताकि कोई वहाँ से कूद के इधर नहीं आ जाए इसके ऊपर चढ़ के, ये जो है ना। वैसे यहाँ पे देखो चढ़ने का है, मतलब आराम से, और यार कूद भी सकते हैं, थोड़ी और ऊँची करनी पड़ेगी यहाँ की दीवार। तो ये गाइस हो गया हमारा आगे का काम, वहाँ से कोई कूद के नहीं आएगा। साइड में और वॉल लगा दी, नीचे जाने का रास्ता बन गया हमारा।
अब मेन काम है इसके ऊपर दो हैमर लगाना, जो कि मुझे लगता है छोटे पड़ जाएंगे क्योंकि रैंप इतना बड़ा है कि लोग साइड से भी आ सकते हैं, तो हो सकता है हमें मल्टीपल हैमर्स यहाँ पे लगाने पड़ जाए। तो यहाँ पर दो हैमर्स बहुत ही कम लग रहे हैं, इसलिए मल्टीपल हैमर्स यहाँ पे लगाने ही पड़ेंगे हम लोग को। अब बताओ गाइस कैसा है ना, अब बहुत ही कम जगह है और ठीक भी लग रहा है। अच्छा ये थोड़ा हवा में है क्या, ये सब लग तो रहे हैं, वैसे ठीक है, इससे ज़्यादा तो शायद ज़मीन में गड़ जाएंगे। तो उधर लगा दिए गाइस मैंने बहुत सारे हैमर। आगे अब हमें एक पैरेलल प्लेटफॉर्म चाहिए था, लेकिन अब दिक्कत क्या है, इसके बीचों बीच लगता है ये ड्रम, मतलब कि ट्रैम्पोलिन। अब ये ड्रम इसके अंदर तो घुसेगा नहीं, जैसे कि पिवट पुश में घुसा रहता है, तो इसके लिए हम सर्कुलर फ्लोर तो ला नहीं सकते हैं ताकि ये कवर हो। तो अब जो साइड की जगह वो बच जाएगी गाइस, कोई वहाँ जाके अब मत नीचे गिर जाना। तो ऐसा लग गया गाइस हमारा ट्रैम्पोलिन साइड में, बस थोड़ी जगह जहाँ पे आपको नहीं गिरना है। तो यहाँ सामने की वॉल लग गई हमारी, अब देखते हैं जंप हमारी हो रही है कि नहीं। हो तो रही है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। तो इधर हमारी फिनिश लाइन भी लग चुकी है गाइस, वो मूविंग स्लाइडर में लगाया नहीं क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। और ये हमारा करेक्ट 22 का बजट बच के ये वाला जो मैप है पिवट पुश वो बन चुका है। इसके फाइनल एडजस्टमेंट देख लेता हूँ। ये देखो स्टार्टिंग में मुझे गलती दिख गई, इतनी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। तो हमारे मैप का नाम रहेगा पिवट पुल, जो कि आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा मुझे लगता है। और अब हो जाएगा इस टेस्टिंग। चलो सामने से तो बिल्कुल सेम लग रहा है, यहाँ पे वॉल्स के बीच में जगह है जो कि हम लोग भर नहीं सकते। ठीक है फैन के पास आ गए, टर्न स्टाइल के पास, यहाँ पे बढ़िया निकले, जगह बिल्कुल नहीं है, आपको धक्का मार के निकलना पड़ेगा। यहाँ पे भी धक्का मार के निकलना पड़ेगा और इधर आएंगे फिर, और उसके बाद ये यहाँ से भी धक्का मार के निकले। मूविंग स्लाइडर नहीं है गाइस, थोड़ा खाली लग रहा है। यहाँ पे आए बूम ब्लास्टर के पास और टाइमिंग थोड़ी सी ख़राब, लेकिन इस बार बीच में से जाएंगे हम लोग। टाइमिंग भी इसकी चेंज है ना, सब अलग अलग आएगा। पर ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है ना पिवट पुश से, लेकिन ठीक है ऐसे ही बना। ठीक है हैमर थोड़ा मुश्किल है निकलना, यहाँ से आ जाएंगे, नीचे एरो दिए हैं, साइड से आ नहीं सकते आप चढ़ के, हैमरों के बीच में से जाना पड़ेगा यहाँ बहुत सारे, और फिर ट्रैम्पोलिन से कूद के सीधा फिनिश लाइन की तरफ आ जाना। यहाँ पे भी मूविंग स्लाइडर नहीं है, टेस्ट कंप्लीटेड। तो अगर आपको ये मैप खेलना है गाइस, तो कोड है 9774655319, जाके ये डाल सकते हो और खेल सकते हो। ठीक है तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी फॉल गाइस की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर देना नेक्स्ट मैप आपको कौन सा चीज स्टंबल गाइस का जो मैं फॉल गाइस में बनाऊं। और मेरी पिछली वीडियो देखनी है फॉल गाइस की, जिसमें मैंने कोई सा स्टंबल गाइस का मैप बनाया होगा उसमें, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।